हल्द्वानी के नरीमन चौराहे के पास सड़क चौड़ीकरण के चलते कई सारे पेड़ कमजोर हो गए हैं और आज एक पेड़ बरसात के चलते सड़क पर गिर गया, जिसके चलते वहां से गुजर रहे एक पर्यटक की स्विफ्ट कार भी पेड़ के नीचे आ गई, जिससे काफी देर तक यातायात भी बाधित रहा। बता दें कि इस विषय को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलियुटिया ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी है। साथ ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि सड़क चौड़ीकरण का जो कार्य हो रहा है वह एक निश्चित कार्य योजना के तहत नहीं हो रहा है। उसके अलावा कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ें सड़क चौड़ीकरण के चलते पूरी तरह से खोखली हो गई है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा तत्काल दर्ज होना चाहिए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की खास रिपोर्ट। जो सड़क चौड़ीकरण को लेके प्रशासन का जो काम चल रहा था दारुदाम नारीमन चौराहे पर, हमने पहले भी अंदेशा जताया कि प्रशासन जो है एक निश्चित कार्य योजना के तहत काम नहीं कर रहा है और उसका आज देखिए जानमाल का खतरा होते बच गया। एक नारीमन चौराहे पे जो पेड़ बारिश के चलते, क्योंकि उसकी चारों की जड़ खुदान कर दी गई थी, उसकी जड़ें कमज़ोर हो गई थी, बहुत पुराना वृक्ष था जो नैनीताल रोड पे आ गिरा और जिसकी चपेट में कार भी आई, दिल्ली पर्यटक की कार भी आई, जिसमें उसका परिवार था और उसका बच्चा भी था। और एक दुर्घटना होते होते हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि दुर्घटना होते होते बचे। और इस तरह से प्रशासन ने, आप देखिए, और भी पेड़ जो नैनीताल रोड के किनारे हैं उनकी जड़ें खोद दी हैं और जिस वजह से बरसात का मौसम भी शुरू हो गया, स्कूल भी शुरू होने वाले हैं और ये मुख्य मार्ग पूरे कुमाऊं मंडल को जोड़ता है, पर्यटक भी आते हैं जाते हैं, ये चलता हुआ रास्ता है, एक पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया है। तो हम आज थाने में FIR दर्ज कराने आए हैं कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, ये पब्लिक न्यूसेंस उन्होंने क्रिएट किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए उचित धाराओं के अंतर्गत। ठीक।